नमस्कार, आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़। और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको बताते चलें कि बरेली शहर में लक्ष्मी सोसाइटी की ओर से हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन गीता दोहरे के द्वारा किया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका इंदू सिटी के द्वारा निभाई गई। कार्यक्रम में काफ़ी मनोरंजक कार्यक्रम किए गए, जिसमें डांस प्रतियोगिता व मेहंदी प्रतियोगिता आदि मुख्य रूप से उत्पन्न रहीं। लक्ष्मी सोसाइटी की ओर से लगातार कोरोना काल में भी गरीबों की मदद की गई है और गरीबों की ज़रूरत पर काम आई है लक्ष्मी सोसाइटी। जी सर, क्या नाम है? मैं श्रीमती इंदु सेठी। यहाँ पर लक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी ने आज मुझे एज ए मुख्य अतिथि बुलाया है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे को आज ये सबसे मिलने का मौका दिया है। ये तीज का फंक्शन चल रहा है, जो तीज महोत्सव ये महिलाओं का ही मेन माना जाता है। और इसमें महिलाएं अपना पूरे श्रृंगार के साथ, शिव जी ने जैसे पार्वती जी ने शिव जी को मनमोह लिया था उनका, इस मौके पर ऐसे ही ये मेरी बहनें सब अपना सोलह श्रृंगार करके व मेहंदी लगा के चूड़ियां पहन के अपने पतियों को रिझाने के लिए और आपस में मिलने के लिए एक ये मौका बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि बहनें बहुत सारा टैलेंट जो भी उनके अंदर गुण है वो बाहर निकल कर आते हैं। कोई नृत्य करती है, कोई गाना गाती है और कोई अपने अपने वास्तव में परिवार के साथ जो संयुक्त परिवार में जुड़े हुए हैं। और इसी मौके पर ये हम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा भी हम लोग देते हैं कि अपने तीज त्यौहार हमें नहीं भूलने चाहिए, किस प्रकार से हम लोग अपने बड़ों का इज्जत सम्मान, इसमें बहने अपना बायना निकाल के अपने बड़ों को देती भी हैं और साथ ही साथ उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी लेती हैं। तो ये मौका जब साल में एक बार आता है तो वास्तव में झूले भी झूलती हैं। इस बहाने से लोग अपने बाहर निकल के हम लोगों को आपस में मिलजुल का एक समय ये बहुत अच्छा मिलता है।